नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार आज आपको बताने वाला हूँ पिरोक्स डीटी टैबलेट के बारे में। इसके यूज, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसका लेने का सही तरीका और इसका उपयोग किस किस बीमारी में किया जाता है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अब बात कर लेते हैं पिरोक्स डीटी टैबलेट के बारे में। पिरोक्स डीटी टैबलेट जो आती है ये 20 mg में आती है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है और इसे लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पर्चे या फार्मासिस्ट की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। पिरोक्स डीटी टैबलेट में साल्ट जो होता है वो होता है पिरोक्सिकम डिस्पोसिबल टैबलेट। अगर आपको पिरोक्स डीटी के नाम से भी कोई टैबलेट नहीं मिलती है तो आप पिरोक्सिकम डिस्पोसिबल टैबलेट के नाम से भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। इनके नाम जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे पिरोक्स डीटी, डोलोफोस डीटी या कोई और डीटी के नाम से भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है। इसमें जो साल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए पिरोक्सिकम डिस्पोसिबल टैबलेट, जिसकी प्राइस होती है 78 रुपये। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। थोड़ी ये टैबलेट महंगी होती है पर इसके यूज भी बहुत अच्छे रहते हैं। पिरोक्सिकम डिस्पोसिबल टैबलेट का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो, जैसे कि आपके हाथ पैरों में दर्द रहता हो या साइटिका का दर्द रहता हो, हाथ पैरों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, ऑर्थोआर्थराइटिस या आपके घुटनों में दर्द रहता हो, तो आप इसका टैबलेट का यूज कर सकते हैं। बॉडी में आपके किसी भी प्रकार का दर्द हो या दुखन हो या शरीर में आपका मांसपेशियों का दर्द हो या आप कहीं गिर जाते हैं और उसकी गुम चोट लग जाती है, उसमें दर्द रहता है, तब भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। यह टैबलेट दर्द के लिए सबसे अच्छी टैबलेट मानी गई है। पिरोक्सिकम डिस्पोसिबल टैबलेट जो होती है ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है और आप इसका यूज 1 टैबलेट TDS कर सकते हैं। 1 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम आप खाने के बाद इसे ले सकते हैं। यह आपको किसी भी कलर में मिल सकती है, वाइट में मिल सकती है, पीली मिल सकती है, नीली मिल सकती है। इस टैबलेट का यूज आप जब भी करें या आप किसी महिलाओं को दे, प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक पेन किलर टैबलेट है जिससे कि बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जब भी इस टैबलेट का यूज प्रेगनेंसी में करें तो डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें। और इसकी कंपनी जो है ये सिप्ला कंपनी की है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी मानी गई है। अगर आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है, दुखन रहती है या मांसपेशियों का दर्द रहता है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका यूज एक्सीडेंटल केस में भी कर सकते हैं। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी चोट लग जाती है, आपकी चोट में दर्द रहता है, दुखन रहती है, तब भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। यह दर्द के लिए सबसे अच्छी टैबलेट है। किसी बुजुर्ग महिला हो या मेल के दर्द, हाथ पैरों में दर्द रहता, चलते हुए चला नहीं जाता है या हाथ दर्द रहता है, पैरों में, घुटनों में दर्द रहता है, तब भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 1 गोली सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को आप इससे दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो।